इस वीडियो में हम हेनरी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हेनरी जो है क्लास 7 के चैप्टर है, इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो पहले से मेरे चैनल पर अवेलेबल है। उन तीनों पार्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि किस तरह से जो गिरगिट था, हेनरी था, उसने किस तरह से नर्सरी स्कूल में पूरा भगदड़ मचा दिया था। थोड़ा सा शोर शराबा उसकी वजह से सीन क्रिएट हो गया था और ये सब उससे इनोसेंटली हुआ था, जाने अनजाने में हुआ था, मतलब जानबूझकर नहीं हुआ था बल्कि अनजाने में हो गया था उससे। व्हेन द पपाया इन आवर ऑर्चर्ड वर रिप, वो बता रहे हैं कि जब उनके गार्डन में पपाया जो था ना, पपीता, वो रिप हो गया था, पूरी तरह से पक गया था। ग्रैंड मदर सेंट अ बास्केट फुल टू हर फ्रेंड्स मिसेस घोष हु वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द नर्सरी स्कूल। तो इनकी जो दादी माँ थी, उन्होंने एक बास्केट में पपाया को सोच रखा था पहले से कि जब ये पक जाएंगे ना तो मैं अपनी दोस्त को भेजूंगी। तो उन्होंने बास्केट में फुल करके और उस पपाया को मिसेज घोष थी जो कि एक नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल थी, उनकी दोस्त थी इनकी दादी की, तो उनको इन्होंने गिफ्ट की तरह वो भेजा था पपाया। वाइल द बास्केट सेट वेटिंग हेनरी वेंट सर्चिंग फॉर बीटल्स एंड स्लिप्ड इन अमंग द पपायास। तो क्या हुआ कि जब बास्केट में सारा सामान, मतलब पपीता रख करके उसको रख दिया गया था ना गार्डन में ही, इंतजार हो रहा था कि बस भेजना है, तभी क्या हुआ कि गार्डन में हेनरी जो था वो गलती से चला गया था ढूंढने। वो तो अपना खाने पीने की चीज ढूंढता रहता था, वो क्या हुआ कि गलती से पपाया की उस बकेट में, जो बास्केट था ना, उसी में स्लिप हो गया, गिर गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया, अननोटिस्ड रह गया, क्योंकि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उसमें गिरगिट जो है वो गिर गया है। द गार्डनर ड्यूटीफुली कैरिड द बास्केट टू द स्कूल एंड लेफ्ट इट इन मिसेज घोष ऑफिस। अब जो गार्डनर था जिसको कि ये काम दिया गया था ना कि पपाया को पहुंचाना है, तो इंतजार के बाद जब समय हुआ होगा उसको ले जाने का, तो वो अपना उस एक तरह से उसका ड्यूटी था वो काम करना, तो वो अपनी ड्यूटी की तरह वो उस बास्केट को ले जा करके स्कूल में पहुंचा दिया, मिसेज घोष के ऑफिस में। व्हेन मिसेज घोष रिटर्न आफ्टर मेकिंग हर राउंड, शी बिगन एग्जामिनिंग एंड एडमायरिंग द पपायास एंड आउट पॉप्ड हेनरी। अब क्या हुआ कि जब मिसेज घोष पूरे स्कूल में अपना देख लिया, उन्होंने पूरे स्कूल, मतलब एक होता है ना एग्जामिन करना कि देखते हैं ना लोग कि जो प्रिंसिपल होते हैं तो राउंड पे जाते हैं, देखते हैं कि बच्चे सब सही से हैं कि नहीं, कहाँ क्या हो रहा है, तो वो सब पे ही राउंड पे वो गई हुई थी। जब वो राउंड से वापस आई तो उन्होंने सोचा कि वो अपना, उनकी दोस्त ने जो पपायास भेजे हैं वो भी एक बार देख लेती हूँ, खोल के एडमायर कर लेती हूँ। तो जब वो देख रही थी ना, तब क्या हुआ कि अचानक से उसमें से हेनरी निकल गया। मिसेज घोष स्क्रीम्ड, हेनरी स्क्विंटेड अप एट हर बोथ आईज रिवॉल्विंग फ्यूरियसली। अब क्या हुआ कि जैसे गिरगिट के होते ना आँख ऐसे ऐसे घूम रहे होते, बिल्कुल वैसे ही वो भी घुमा रहा था और मिसेज घोष पूरी तरह से डर गई थी उसको देख करके। मिसेज घोष स्क्रीम्ड अगेन और मिसेज घोष पूरी जोर जोर से वापस से चिल्लाने लगी। हेनरीज कलर चेंज्ड फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू रेड। अब हेनरी का जो कलर था पहले हरे से पीला हुआ, फिर पीले से लाल हो गया। हिज माउथ ओपेंड एज थो ही टू वुड लाइक टू स्क्रीम, और उसने भी अपने मुंह पूरा खोल लिया जैसे कि ऐसा लग रहा था कि अब बस वो भी चिल्लाना ही चाह रहा है, वो भी डरा हुआ है, वो भी चिल्लाने वाला है। एंड असिस्टेंट टीचर रस्ट इन took one look at the chameleon and joined in the shrieking। अब क्या हुआ कि एक असिस्टेंट टीचर जो कि एक टीचर थी वो भी वहां पे आई भागते हुए रश में, और फिर उन्होंने जब देखा गिरगिट को, कैमिलियन को देखा, तो उन्होंने भी मिसेस घोष को ज्वाइन कर लिया और पूरा वो भी चिल्लाने लग गई, शोर करने लग गई। हेनरी वॉज टेरिफाइड, अब हेनरी डर गया पूरी तरह से। ही फ्लेड फ्रॉम द ऑफिस और वो ऑफिस से भाग गया, रनिंग डाउन द कॉरिडोर एंड इन टू वन ऑफ द क्लासरूम, और वो भागते भागते एक कॉरिडोर से भागते हुए वो एक क्लासरूम में चला गया। देयर ही क्लाइम्ड अप ऑन अ डेस्क व्हाइल चिल्ड्रन रैन इन ऑल डायरेक्शंस। अब जब वो डेस्क पे जाके बैठ गया ना जंप करके, तो सारे बच्चे इधर उधर डायरेक्शन में भागने लग गए, सम टू गेट अवे फ्रॉम हेनरी, सम टू कैच हिम। कुछ तो हेनरी से दूर भाग रहे थे डर के, और कुछ बच्चे थे जो हेनरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। हेनरी फाइनली मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो एंड डिसअपीयर्ड इन द गार्डन। लास्टली जाकर के हेनरी जो है वो खिड़की से भागा और भाग करके गार्डन में चला गया। ग्रैंड मदर हर्ड अबाउट द इंसिडेंट फ्रॉम मिसेज घोष बट डिडंट मेंशन दैट द कैमिलियन वॉज आर्स। अब दादी माँ ने ये सारा बात सुना कि गिरगिट कैसे आ गया था पपीते की टोकरी में और किस तरह से, मतलब क्या क्या हुआ सब कुछ सुना, लेकिन दादी माँ ने ये नहीं बताया कि वो जो गिरगिट है वो कैमिलियन जो है वो हमारा ही है। इट माइट हैव स्पॉइल्ड देयर फ्रेंडशिप, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि शायद ये चीज़ उनकी दोस्ती खराब कर दे, तो उन्होंने नहीं बताया। ग्रैंडफादर एंड आई डिडंट थिंक हेनरी वुड फाइंड हिज वे बैक टू अस। अब दादाजी ने और इन्होंने सोच लिया था, नरेटर ने, कि अब हेनरी जो है वो
शायद कभी अब हमारे पास वापस नहीं आ पाएगा, वो हमारा जो घर का रास्ता है वो नहीं ढूंढ पाएगा, बिकॉज द स्कूल वॉज 3 blocks अवे, क्योंकि जो स्कूल था वो इनके घर से 3 block दूर था। तो इन्होंने ये सोच लिया था कि अब वो गिरगिट जो है, वो जो हेनरी है, वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। बट अ फ्यू डेज लेटर आई फाउंड हिम सनिंग हिमसेल्फ ऑन द गार्डन वॉल। लेकिन एक दिन उन्होंने, कुछ ही दिन बाद उन्होंने देखा कि जो गिरगिट है हेनरी जो है वो उनके गार्डन में, गार्डन के दीवार पर बैठ करके धूप सेक रहा है। Although he looked none the worse off for his adventure, he never went abroad again. अब क्या था ना कि उसकी जो जर्नी थी ना वो अच्छी नहीं रही थी, उसको देखने से पता चल रहा था कि उसकी जो जर्नी रही अकेले रहने का जो एडवेंचर था वो अच्छा नहीं रहा। जरूर वो कुछ मुसीबतों से और निकल करके आया था, उसकी कंडीशन भी थोड़ी खराब थी, खाना पीना भी अच्छे से नहीं मिला होगा। ही नेवर वेंट अब्रॉड अगेन, हेनरी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डे इन द गार्डन। अब वो कभी इधर उधर कहीं नहीं जाता था, वो पूरा दिन अपना गार्डन में ही बिताता था। वेयर ही केप्ट द इंसेक्ट पॉपुलेशन वेल विद इन बाउंड्स, जहाँ रह करके वो गार्डन का क्या जो इंसेक्ट्स का जो पॉपुलेशन होता था ना उसको भी वो मेंटेन रखता था, क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खा लेता था, तो इससे क्या गार्डन भी, गार्डन में इंसेक्ट्स से भी मेंटेन रहता था, इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े नहीं बढ़ते थे। तो इस तरह से वो जो गिरगिट था वो हमेशा गार्डन में ही रहता था। तो ये थी आपकी स्टोरी, तो यहाँ पे ये स्टोरी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे लिंक, मैंने लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, लिंक पर क्लिक करके मेरे ही चैनल पर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। Thanks for watching and happy learning!